कितनी देर शौर्य की माँ? हाँ माँ, देखिए ना, देर मत कीजिए, शादियाँ करवानी है। दुल्हन के बिना कभी शादी हो सकती है क्या? अब आप दोनों आंखें खोलिए। शौर्य की माँ, पिछले जन्मों में हमने जरूर बहुत सारे पुण्य किए होंगे, जो इस जन्म में तीन बार हमें दिन देखने को मिला। #bestdayofmylife। मैं पहले इनकी नजर उतार लेती हूँ। अरे हाँ, अब मुझे तुम दोनों की पिक्स दी। नहीं, एक मिनट शौर्य, रुक बेटा, दोनों इतना दूर दूर क्यों बैठी हो? हाँ, पास आओ ना। ये हुई ना बात, अब खींचो। दिखा दिया, बहुत बढ़िया ही है। स्टीव, बेटा बहू बनने से पहले आखिरी निवाला हम आपको अपने हाथों से खिलाना चाहते हैं। मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी बड़े पापा। और मेरे लिए दादू? सॉरी, ये आपके लिए नहीं है। क्योंकि आपके लिए है स्पेशल वाली। लीजिए शौर्य भैया, इसमें दूध नहीं है, आमंड मिल्क है, और शक्कर बिल्कुल भी नहीं है। हैशटैग डाइट खीर। हैशटैग खीर के नाम पे थप्पा, देखा ले। पापा। एक मिनट, हम अभी है। अरे कहाँ रह गए तुम दोनों? ये हवन सामग्री आने में तो टाइम क्यों लग गया? आधे घंटे का मुहूर्त है, उसमें दो दो शादियां करनी, कब से पंडित जी इंतजार कर रहे हैं, चलो मेरे साथ। और ये भी हो सकता है कि तेरी और कुणाल की शादी हो ही ना। इष्टि मेरे सेकंड चांस को रुइन नहीं कर सकती, वो मेरी शादी, मेरा ससुराल नहीं छीन सकती। #enough। अब मैं खुश होने का और ड्रामा नहीं कर सकती। पहले शादी तेरी क्यों हो रही है? पहले भी मेरी शादी झूठी हुई थी तेरी वजह से, क्योंकि माँ तुझे हेट करती थी, कुणाल तुझे हेट करता था, लेकिन पनिशमेंट मुझे मिली। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी शादी वैसे ही होगी जैसे मैं चाहती हूँ, परफेक्ट। #coolperfect। ये क्या बोल रही है तू? सिंपल, इस मंडप में पहले शादी मेरी होगी। क्या चाहती है तू, बोल। चाहती कि मेरी और अबीर की शादी ना हो? #I don't care। तेरी शादी किसी से भी हो, मैं बस तेरी शक्ल और नहीं देखना चाहती। मैं कभी भी तेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती थी, पर मैंने सब कुछ शेयर किया। ये घर, ये फैमिली, ये रूम सब शेयर किया, इतना क्या कम था जो अब मैं तुझसे अपना ससुराल भी शेयर करूं? तू चुप क्यों है? #tell me the truth, मिष्टी। तू भी तो मुझसे हेट करती है। मैं तेरे साथ रूडली इसलिए बिहेव करती हूँ क्योंकि तू हमेशा मेरे साथ ऐसा करती है। तू कौन सा मुझे अपनी तेरी बेस्टी मानती है? तूने मेरी लाइफ में सब कुछ बर्बाद कर दिया। पहले की बात छोड़, यहाँ तक कि मेरी शादी, मेरा रिलेशनशिप भी तूने बर्बाद की।
मैंने? Yes, obviously तूने, तूने तो अपनी love story perfect बना ली, but मेरी story तो तेरी वजह से कभी आगे नहीं बढ़ पाई। In fact, मैं तो divorce के बाद भी अपनी family से share नहीं कर पाई थी क्योंकि उस समय तेरे और अबीर ब्रो का breakup हुआ था और सब already बहुत sad थे। तुझे लगता है कि अगर मेरा और अबीर का breakup नहीं होता, तो तू अपने bags pack करके वापस आ जाती। And by the way, अगर उस दिन तू वापस आ जाती ना, तो तू आज दुल्हन बनके रेडी नहीं होती। तू तो किसी बात से लाइफ में खुश क्यों नहीं होती? तुझे वो मिला जो लोगों को नहीं मिलता है। तुझे उस इंसान से शादी करने का मौका मिला जिसे तू बहुत प्यार करती। दूसरा मौका मिला है तू, लेकिन तेरी लाइफ जी सच में लगता है कि मेरी लाइफ तुझसे बेटर है? अपने दिल पे हाथ रख के पूछ। कहूँ मैं वही बात बार बार रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ ना, उसके लिए मुझे रोज लड़ना पड़ता है। उसकी माँ ने मुझे धमकियां दी है, उन्होंने मुझे हमारी फैमिली के अगेंस्ट यूज किया, उन्हें इंसल्ट करने की कोशिश की है, तेरी और कुणाल की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है। उन्होंने अबीर को धमकी दी थी कि अगर वो मुझसे शादी करेगा ना, तो वो कुणाल की लाइफ बर्बाद करके रख देंगे। तुझे अब भी मेरी लाइफ तेरी लाइफ से बेटर लगती है? आज वो हमारी शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि अबीर ने उन्हें इस शादी से दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन सब लोग मुझे ऐसे ही देखेंगे ना कि मेरी वजह से ये सब हुआ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू उस मंडप पे ना हो। बाकी तुझे जो करना है तू कर, पर आज उस मंडप में पहले मेरी शादी होगी। आज मैं फर्स्ट आऊंगी। हैशटैग माय शादी माय डिसीजन। तुझे जो करना है कर, मैं नीचे जा रही हूँ सबको बता। ओह लिसन टू मी, प्लीज ऐसा मत कर यार, आज के दिन ऐसा मत कर। देखना सब लोग कितने खुश है, प्लीज को ऐसा मत कर प्लीज। इस फैमिली को तेरी वजह से ऑलरेडी ड्रामे की बहुत आदत हो गई है मिष्टी, एक और ड्रामा हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आ गई हैं तो दुल्हन की रस्म में देर नहीं करते। अंदर जा। अब तू मेरे साथ आ। माँ तो आ गई, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन अब जो वो कहने वाली है उसका क्या? क्या सच में उस मंडप पर मेरी शादी नहीं हो पाएगी? कुहू अब बता मुझे, तू नीचे क्या करने आई थी? मुझे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी चाची, वो भी शादी से पहले। ओहो ये चल क्या रहा है? वो बोली तूने फिर से कोई नया ड्रामा कर दिया ना, बोल बोल ना। मुँह बोली चुप क्यों है तू, बोल। मैं आई, तुम दोनों को बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, उल्टा हमारी कुहू आपको देख के बहुत ज्यादा खुश है। वो तो कब से यही कह रही थी कि अगर आप नहीं आएंगी वो शादी ही नहीं करेगी, क्यों कुहू है ना? राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण, अखंड सौभाग्यवती भव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, खुश रहो। अब तुम दोनों को बहुत जल्दी मंडप में बुलाया जाएगा, तो क्या मैं तुम दोनों को मंडप तक ले जा सकती हूँ? हाँ माँ, हैशटैग ग्रेट आइडिया। नो, आई एम सॉरी। आप कुहू को ले जाइए, पहले मंडप में शादी कुहू की होगी। क्या? क्या कहा तूने? पहली शादी कुहू की होगी? मतलब? बड़ी माँ, वैसे भी पहले तो कुहू और कुणाल की शादी हुई थी ना, तो आज भी वैसा ही करते हैं। हाँ। और मैं इंतजार कर लूंगी, बस एक बार इन दोनों की शादी हो जाए फिर आप मुझे भी ले जाना, मेरा कन्यादान तो आप ही करेंगी ना। एक्चुअली आज मुहूर्त बहुत लंबा नहीं है, सिर्फ आधे घंटे का है, और फिर आधे घंटे में दो दो शादियां। इतना कुछ होने के बाद भी आप हम दोनों को यहाँ लेने के लिए आए, आप मुझे अपनी बहू मानने के लिए तैयार हैं माँ? इसलिए ये मंडप, ये मुहूर्त, कुछ भी, इस दुनिया की कोई भी चीज मेरे और अबीर के बीच नहीं आ सकती। आज मेरे और अबीर की शादी होके रहेगी। आप इसके फेरे तो करवाइए, बस एक बार इसके फेरे हो जाए फिर मैं भी आ जाऊंगी। दादी प्लीज, पिछले बार मेरी शादी रियल नहीं थी, प्लीज इस बार मेरी रियल शादी करा दीजिए।
अच्छा तूने सोच लिया है ना? हाँ बड़ी माँ, मैंने सोच लिया है। कुहू, आओ बेटा। आज तुमने जो किया उसने साबित कर दिया कि वाकई मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल की है। सॉरी। जीती रहो बेटा, खुश रहो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।